नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आईपीएल 2021 फिर से कब स्टार्ट होगा, इसकी नई तारीख क्या होने वाली है, क्या आईपीएल 2021 के बचे हुए मैचेस खेले भी जाएंगे या फिर नहीं, इन सभी चीज़ों को लेकर फिलहाल अभी तक बीसीसीआई की ओर से कोई अपडेट नहीं आई। हालांकि दोस्तों, बीसीसीआई जो है लगातार प्रयास कर रही है कि आईपीएल 2021 को पूरा कराया जाए सितंबर के महीने में या फिर नवंबर के महीने में, एक विंडो तलाश की जाए जिसमें जो है आईपीएल 2021 का आयोजन पूरा हो जाए। जी हाँ दोस्तों, इसी कड़ी में अब आरसीबी टीम से यहाँ पर कुछ बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है, जहाँ पर दोस्तों इनको जो है अगर बाय चांस आईपीएल 2021 फिर से स्टार्ट होता है, बचे हुए मैचेस होते हैं, तो फिर आरसीबी टीम को दो बड़े झटके लग सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टीम के दो बड़े खिलाड़ी बाहर हो सकते हैं, तो इसके बारे में ही आगे सारी बातचीत हम करने वाले हैं इस वीडियो में। इसलिए भाइयों, अगर आप भी आरसीबी टीम के फ़ैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। वही दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही डेली अपडेट्स आप तक हमेशा पहुंचते रहे। वहीं दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आरसीबी को ज्वाइन नहीं किए हो तो उसे भी याद से ज्वाइन कर लीजिए, वहां भी आपको आरसीबी टीम से जुड़ी हर एक न्यूज़ मिलती रहती है। तो भाइयों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम बात करें थोड़ा सा आईपीएल 2021 की, तो आईपीएल 2021 को फिलहाल जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। इस सीज़न का फर्स्ट हाफ जो है पूरी तरह से खेला जा चुका है, लेकिन बचे हुए 31 मैचेस कब खेले जाएंगे, इसका आयोजन अब कब होगा, इसको लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। क्योंकि दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से आईपीएल को इमीडिएटली जो है पोस्टपोन करना पड़ गया था। संदीप वैर और वरुण चक्रवर्ती जो है कोविड-19 के शिकार हो गए थे, जिसके बाद इमीडिएट जो है आईपीएल 2021 को पोस्टपोन कर दिया गया था। इसके बाद कुछ और खिलाड़ी जो है लगातार पॉजिटिव पाए जाने लगे, जिसकी वजह से आईपीएल 2021 को सस्पेंड करना पड़ा। बीसीसीआई ने इमीडिएट मीटिंग में यह फैसला लिया था कि आईपीएल 2021 को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया जाएगा। मगर दोस्तों, अब जो है आने वाले टाइम में इसका आयोजन कैसे होगा, क्या बचे हुए मैचेस खेले जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है बीसीसीआई के सामने और हम सभी के सामने भी। तो भाइयों, फिलहाल जो है बीसीसीआई ट्राई कर रही है कि वर्ल्ड कप के ठीक पहले या फिर वर्ल्ड कप के ठीक बाद जो है आईपीएल 2021 का आयोजन पूरा करवाया जा सकता है। अगर वहां पर विंडो मिलती है बीसीसीआई को, तो वहां पर आईपीएल 2021 के बचे हुए मैचेस खेले जा सकते हैं। वहीं दोस्तों, आरसीबी टीम के लिए यहां पर दो बड़े झटके लग सकते हैं, जहां पर दोस्तों सितंबर में जो है न्यूजीलैंड का कोई भी खिलाड़ी जो है आईपीएल 2021 के लिए उपलब्ध नहीं रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट्स की माने तो सितंबर में न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान का दौरा करने वाली है, जहां पर सारे खिलाड़ी जाएंगे खेलने के लिए। तो ऐसे में दोस्तों, अगर बाई चांस सितंबर में आईपीएल 2021 का आयोजन होता है, तो हो सकता है कि हमें फिन एलन और काइल जेमिसन न्यूजीलैंड की टीम के लिए खेलते हुए दिखाई दें, ना कि आरसीबी टीम के लिए। इसका मतलब साफ है कि दोस्तों, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स जो है अगर आईपीएल 2021 रीशेड्यूल होता है, तो फिर वहां पर नहीं खेल पाएंगे, वहां पर हमें खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। तो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स जो है आईपीएल 2021 से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका टूर जो है सितंबर में होने वाला है, वो पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं, जहां पर वो अंतर्राष्ट्रीय ड्यूटी पर होंगे। इसीलिए न्यूजीलैंड के प्लेयर्स जो है आईपीएल 2021 का बाय चांस रीशेड्यूल किया जाता है, तो फिर वहां पर हमें खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, वो खेलते हुए नहीं देने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों, आरसीबी टीम के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, जहां पर उनके मेन गेंदबाज काइल जेमिसन और दोस्तों बैकअप ओपनर बल्लेबाज फिन एलन जो है आरसीबी टीम के लिए खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे, अगर बाय चांस आईपीएल 2021 को रिशेड्यूल किया जाता है तो ही। और दोस्तों, हो सकता है कि आईपीएल 2021 को वहां पर नवंबर के महीने में भी आयोजित किया जाए, अगर वैसा होता तो हो सकता है कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हमें खेलते हुए दिखाई दे। मगर अगर इसका आयोजन सितंबर या फिर अक्टूबर के महीने में होता है, तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जो है अवेलेबल नहीं रहेंगे, वो पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं, वहां पर जाकर वो सीरीज खेलेंगे। हम सभी को पता है कि काइल जेमिसन जो है आरसीबी टीम के लिए एक इंपॉर्टेंट तेज गेंदबाज हैं, उन्होंने आरसीबी टीम के लिए आईपीएल 2021 के फर्स्ट हाफ में सारे मैचेस खेले थे और अच्छी खासी गेंदबाजी की थी। इसलिए दोस्तों, उनका टीम में रहना वहां पर बेहद जरूरी होता है, अगर बाई चांस आईपीएल 2021 फिर से स्टार्ट किया जाता है तो ही। वहीं फिन एलन भी जो है एक अच्छे युवा ओपनर बल्लेबाज हैं, आरसीबी टीम ने भले ही इन्हें मौके ना दिया हो फर्स्ट हाफ में, लेकिन अगर सेकंड हाफ होता है तो उन्हें मौके भी मिल सकते हैं, एक अच्छे बल्लेबाज है। इसलिए दोस्तों, इनका भी टीम में रहना बेहद जरूरी होता है, अगर आईपीएल 2021 को शेड्यूल किया जाता है तो ही। तो दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही थी हमारी अपडेट्स आरसीबी टीम को लेकर के। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।